तो की आवाज को दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद। परिवार जिसके पुरखे ये मानते रहे हैं कि दलित अछूत होते हैं, इनसे स्पर्श कर लेने से हमारी इज्जत खराब हो जाती है, आप कैसे समझते हैं कि वो आपके पक्ष में कानून सम्मत फैसला दे देगा? सुनने का अधिकार जो मांग कर रहा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये जो तानाशाही सरकार है, जो बीजेपी आरएसएस की के नेतृत्व वाली सरकार है, जो दलित बहुजन विरोधी है, ये टारगेट कर रहा है। जो भी आवाज़ निकलेगा इस तरह से, जो भी तार्किक बात करेगा, उसके ऊपर हमला कर रहा है। रतनलाल एक तार्किक, देश के दलितों, आदिवासी, पिछड़े जब यह समझना शुरू कर देंगे कि वो हिंदू नहीं हैं, मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, दान देना बंद कर देंगे, तो यह षड्यंत्र है सरकार का कि ट्रैप में आपको फंसाना चाहिए। सालों से जो भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है दलितों के प्रति कि ये चूड़े चमार हैं, नाली के कीड़े हैं, ये मूछ रखने पर जिस दलित को हत्या कर दी जाती है, दूल्हा उनका घोड़ी पर चढ़ता है उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये सब स्क्रूटनी करके सबको, कितने लोगों को जेल में डाला गया। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय। जिस तरीके से प्रोफेसर रतनलाल की असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है, उसी पर यहाँ पर सभी छात्र और प्रोफेसर मौजूद हैं। अभी हमारे साथ है आभा देव जी और देव जी देव कुमार जी। अभी इन्हीं से जान लेते हैं कि जिस तरीके से असंवैधानिक गिरफ्तारियाँ हो रही है, सर उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह विचारों की अभिव्यक्ति पर एक हमला है। रतनलाल एक प्रोफेसर हैं और इतिहास के प्रोफेसर हैं, और जो पूरा तात्विक विभाग जो होता है इस तरह से धार्मिक और तमाम चीज़ों पर जो सर्वे होता है उसका, ऐतिहासिक, जिसको आप क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल आर्काइव, तो इस पर इतिहासकार बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। यह कोई मुद्दा बनता नहीं है। यह जिस आधार पर गिरफ्तारी की गई या कंप्लेन दर्ज किया गया, वो ये कहा गया कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जिन्होंने कंप्लेन किया है वो हिंदू होंगे, इसका मतलब ये है कि वो रतनलाल को हिंदू नहीं मानते हैं, क्योंकि रतनलाल हिंदू दलित समाज से आते हैं। तो मैं यही तब से कह रहा हूँ कि इस देश के दलितों, आदिवासी, पिछड़े जब यह समझना शुरू कर देंगे कि वो हिंदू नहीं हैं, मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, दान देना बंद कर देंगे, तब जो यह षड्यंत्र है सरकार का कि ट्रैप में आपको फंसाना चाहती है, ये अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। अलग समझे थे एससी एसटी ओबीसी समुदाय, दलित समुदाय, इनसे, हिंदुओं से अलग समझे अपने आप को? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रतनलाल के खिलाफ कंप्लेन करने वाले कौन हैं? हिंदू ही है ना, तो वो रतनलाल के खिलाफ क्यों कंप्लेन की, आप ये बताइए। अगर रतनलाल हिंदू समाज से हैं तो क्यों कंप्लेन किया? अगर शिव शंकर भगवान जितना कंप्लेन करने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही रतनलाल के लिए भी है। रतनलाल भी जिस समाज से आते हैं, हिंदू समाज से, फिर भी कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि रतनलाल को वो हिंदू नहीं मानते हैं। अगर मानते तो कंप्लेन नहीं करते। और फिर संविधान में जो धारा है कि आप जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और रतनलाल ने एक एकेडमिक बहस रखी है, कोई धारणाओं भावनाओं को आहत नहीं किया है कि वह जो मिला वह कौन सा शिवलिंग है, कब है, क्या है, नहीं है, उसके आकार से, बनावट से, उसमें क्षरण से ऐसा नहीं लगता है कि वो ये है। उनकी भाषा पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। गिरफ्तारी जो है वो भाषा को लेकर हुई है, जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल एकदम आई एग्री विथ यू। अगर भाषा पे हो तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पिछले 70,000 सालों से जो भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है दलितों के प्रति कि ये चूड़े चमार हैं, ये गटर के नाली के कीड़े हैं, ये मूछ रखने पर जिस दलित को हत्या कर दी जाती है, दूल्हा उनका घोड़ी पर चढ़ता है उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये सब स्क्रूटनी करके सबको, कितने लोगों को जेल में डाला गया, आप बताइए। सर टारगेट किया जा रहा है सीधा सीधा। यस, मैं वही तो कह रहा हूँ, टारगेट ही नहीं, टारगेट किया जा रहा है और आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? आज महत्वपूर्ण मुद्दा देखिए, अपने ऐतिहासिक रूप से डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर है, 80 पहुंच गया है एक डॉलर के मुकाबले। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी, नौकरी कहीं है नहीं,
जितने आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे, बैंक से लेकर तमाम सब निजीकरण कर दिए गए, दो मिनट आप सुनिएगा, कर दिए गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा में लागू कर दी गई, CUT कर दिया गया, बेरोजगारी है। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार के द्वारा पालित और पोषित जो छूट भैये जो लोग हैं, वो इस तरह के मंदिर मस्जिद और धार्मिक मुद्दों को आप जो है हवा देते हैं, और हमारे लोग जाने अनजाने भाषा की वजह से या किन्हीं अन्य वजह से उस ट्रैप में फंस रहे हैं। तो यह तो सरकार के लिए सुविधाजनक हो गया कि पब्लिक का ध्यान इधर से हट रहा है। आपको नौकरी चाहिए, आप लैटरल एंट्री मोदी सरकार ने कर दिया और आरक्षण को ख़त्म कर दिया, मतलब बिना परीक्षा के लैटरल एंट्री, सेक्रेटरी वाला, अगर आप लोगों ने सुना होगा, आरक्षण पहले ही, आप 2 साल पहले देखिए SC ST एक्ट को इन्होंने ख़त्म किया था, रोस्टर वाला ख़त्म किया था। तो ये सरकार जो है वह BJP जो एक तरह से कह लीजिए सवर्ण आधारित सरकार है, और हमारी लड़ाई उसके खिलाफ थी और अपने संवैधानिक अधिकारों को पाने की लड़ाई थी, यानी नौकरी पाने की, आरक्षण पाने की, महंगाई को नियंत्रित करने की, समाज व्यवस्था में सहजीवन और सहअस्तित्व, मतलब आप भी जिंदा रहें हम भी जिंदा रहें, सहअस्तित्व, ये हमारी मुद्दा थी कि ये सरकार इनको ख़त्म कर रही है। और ये जब मुहिम चल रहा था तो इससे ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद और ये सब वो कर रहे हैं, इसमें जाने अनजाने हमारे आपके जैसे लोग टिप्पणी कर दे रहे हैं, भाषा की कुछ समस्या हो जा रही है, और इसी आधार पर रतनलाल को गिरफ्तार किया गया है। रतनलाल जी की गिरफ्तारी, इससे पहले हनी बाबू की गिरफ्तारी, एकदम मैं सीरीज में कह रहा हूँ, हनी बाबू की गिरफ्तारी, रतनलाल की गिरफ्तारी, आनंद तेल तुमड़े की गिरफ्तारी जो अम्बेडकर के परपोते के दामाद हैं, यह है एक तरह से जो दलित बहुजन जो समाज है, जो पिछड़ों का समाज है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है, पढ़ने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जो मांग कर रहा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये जो तानाशाही सरकार है, जो BJP RSS की के नेतृत्व वाली सरकार है, जो दलित बहुजन विरोधी है, ये टारगेट कर रहा है। जो भी आवाज़ निकलेगा इस तरह से, जो भी तार्किक बात करेगा, उसके ऊपर हमला कर रहा है। रतनलाल एक तार्किक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे सर, इस तरीके से जिस तरीके से दलित समाज से आते हैं हमारे प्रोफेसर रतनलाल जी, जिस तरीके से उनके ऊपर अरेस्टिंग हो जाती है बिना वारंट के, बिना वारंट लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो क्या ये वाकई में उस समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये ताकि डर जाए और आवाज़ ना उठा सके? इसमें आपको संदेह है? संदेह आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही है। और ये ना कोई पहली घटना है और ना कोई अंतिम गिरफ्तारी होगी। सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसा रहेगा देश का माहौल? देश फांसीवाद है, वो आपको नियंत्रित कर रहे हैं कि आप वही भाषा बोलें जो वो चाहते हैं, आप वही कहें, साने का काम कर, हाँ वही कहें, वो जो कहें आप वही कहें, वो कहें कि आप ये पहनो तो आप वही पहने, ये कहते हैं कि मांस कैसे हो जाएगा? लोकतंत्र देश है, सबको आज़ादी रहने का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, इसीलिए राज थोड़ी कर सकता है कि मैं आप पे राज करूं, आप मुझ पे राज करें, कैसे हो सकता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं कि भाई आप होते कौन हैं। हमने 1947 में एक संविधान बनाया है और हमने कुछ प्रावधान किया है, इसी के तहत तो हम लड़ रहे हैं, और इसी के तहत उनकी जमानत भी होगी, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन सारे अधिकारों और संवैधानिक नियमों को परे करके पुलिस कौन है? दिल्ली सरकार, ये दिल्ली पुलिस कौन है? अमित शाह के अंदर अधीन आती है, केंद्र सरकार की पुलिस है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अंदर है, मतलब रेलवे वगैरह सब, देखिए ना आप, सब पर हमला वो कर रहे हैं, तो उन्हीं के सह से हो रहा है ना, मतलब संविधान के नियमों को परे करके आपको कि नहीं जी हम आपको करेंगे, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, वहाँ मंदिर था, मौजूद है किस लिए? यह पुलिस फोर्स, देखिए लोकतंत्र जो आजकल है एक बड़ा जो है ये मजाक बना रहे हैं, ये पब्लिक में इंटरनेशनल दबाव भी होता है, ये इंटरनेशनल में दिखाएंगे कि देखिए जी हमारी पुलिस तो सुरक्षा कर रही है, इनको वो दे रही है, ये तो न्यायालय का काम है, पुलिस का काम है। लेकिन आप भी जानते हैं कि न्यायालय कैसे फैसले देती हैं, न्यायालयों के फैसलों का आप समीक्षा कर लीजिए। न्यायालयों के फैसलों पर भी आपको संदेह है? आपको कोई इसमें कोई संदेह है क्या? देखिए, न्यायालय का जो फैसला होता है वो तो सबको सर्वमान्य होता है, मान्य तो होता है, लेकिन आप उन फैसलों का अध्ययन तो करेंगे। सर, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद मान्य होता है लेकिन सहमत नहीं होते, बिल्कुल सर, देखिए न्यायालय में कौन लोग बैठे हैं? कॉलेजियम जो है, एक ही परिवार जो बैठा हुआ है, जो जिसका परिवार, जिसके पुरखे ये मानते रहे हैं कि दलित अछूत होते हैं,
इनसे स्पर्श कर लेने से हमारी इज्जत खराब हो जाती है, आप कैसे समझते हैं कि वो आपके पक्ष में कानून सम्मत फैसला दे देगा? सर, जिस तरीके से अदालतों में बैठे में कॉलेजियम में डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज जो नियुक्त होते हैं वो एक ही परिवार से होते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। तो संविधान ने कहा है कि न्यायालय के फैसले को हम मानेंगे और हम सब एक आज्ञाकारी और कानून मानने वाले नागरिक होने के कारण मानते जरूर हैं, लेकिन उनके फैसलों का हम अध्ययन तो करेंगे। एक एकेडमिक व्यक्ति होने के नाते, एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते अध्ययन तो करेंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल, अब क्या आपका अगला कदम क्या होगा सर? ये प्रदर्शन यूँ चलता रहेगा? देखिए, हम तो प्रदर्शन भी करेंगे, समाज के लोगों के बीच जाएंगे भी, अनेक सेक्टर में लोगों को बताएंगे भी कि देखिए यह जो हो रहा है गलत हो रहा है, और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, अदालत है, उसका शरण भी, उस शरण में भी जाएंगे कि इसलिए आप बेल दीजिए, क्योंकि यह जो है एक अकादमिक मामला है और इस पर पढ़े लिखे और इतिहासकार बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं कि जो रतनलाल की टिप्पणी है वो कितना संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। जो रिहाई के लिए क्या कदम रहेंगे आप? एक तो ये जो एक्शन प्रोग्राम होता रहेगा जैसा तय करेंगे, दूसरा अदालत भी एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, उसका भी दरवाज़ा खटखटाएंगे कि उनको रिलीज करें। इसके आपने जैसे ही कहा, हनी बाबू, आनंद तेल तुमड़े, बरबरा राव, न जाने कितने लोग, असंख्य लोग, सुधा भारद्वाज जो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, वो सब जेलों में बंद कर दिए गए हैं इसी सरकार के द्वारा। तो यह एक बहुत बड़ी लड़ाई है और ये नागरिक समाज को समझना होगा। सिर्फ हमारे और आपके 10, 15, 20 लोगों के इकट्ठे हो जाने से कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, चुनाव में इनको कैसे जो है परास्त किया जाए। जब तक आप इनको नहीं हटाएंगे, आप समझिए कि आपके लिए कुछ बचने वाला नहीं है। थैंक यू। अभी हमने जो है अभी बात की देव जी से, उन्होंने बताया जिस तरीके से असंवैधानिक गिरफ्तारी हुई है रतन लाल जी की, और जिस तरीके से दलित समुदाय से आते हैं तो वही प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से अब इनका संघर्ष जो है जारी रहेगा उनको रिहा करने के लिए, और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है होता रहेगा। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, जनहित आवाज़।